सौ की सीधी बात है, माँ के पास जाओ, श्रद्धालु बन करके नहीं माँ का बेटा बन करके जाओ, बालक बन करके जाओ, ज्ञानी बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, पंडित बनकर जाओगे फेल हो जाओगे, आचार्य बनकर के जाओगे फेल हो जाओगे, आप बुद्धिमान बनकर के जाओगे फेल हो जाओगे, धनवान बनकर के जाओगे फेल हो जाओगे, आप ज्ञानवान बनकर के जाओगे माई बाप फेल हो जाओगे, माँ के दरबार में बेटा बनकर जाओगे, हर मैटर में पास हो जाओगे। अभी दशहरा आएगा तो जगह जगह रावण को जलाया जाएगा बेचारे को, अब लोग भी कितने विचित्र है, हर साल जला, और रावण इतना खतरनाक आदमी हर साल फिर खड़ा हो जाता, ले इतने सालों से जल रहा फिर भी रावण कभी आज तक मरा नहीं, क्यों क्यों, क्योंकि हम लोग बाहर के रावण को हर बार मार रहे, भीतर के रावण को जिस दिन व्यक्ति मारना प्रारंभ कर देगा दोबारा जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दशहरा आता है ना तो सब लोग कहते हैं महाराज अंदर की बुराई को मारो, अंदर की किसको मारो, रावण रूपी बुराई को मारो, ऐसा कहते ना, हम थोड़ा उल्टा बोलते हैं, हम कहते हैं अंदर की बुराई को मत मारो, अंदर के रावण को मत मारो, अंदर के राम को जगाओ, रावण अपने आप मर जाएगा। समुद्र में हजारों गिलियन पानी होता है, लाखों करोड़ों गिलियन पानी होता है, लेकिन समुद्र छोटी सी नाव को तब तक नहीं डुबा पाता जब तक समुद्र का पानी नाव में ना चला जाए। वैसे ही हमारी जिंदगी में लाखों करोड़ों संकट हमारे सामने आ जावे पर हम तब तक नहीं बहक सकते जब तक उन संकटों को अपने मन में नहीं रखेंगे, और मन में नहीं रखेंगे तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। अब आज के जमाने में तो एक संत जी हमें आरती सुना रहे थे, लोग गाते हैं तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, लेकिन आज के लोग तो क्या कहते, तन मन धन जो कुछ है प्रभु सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा।